हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसानी से और आसान भाषा के अंदर सरल करेंगे। इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको हमें क्लिक करना है। तो देखिए आइए क्वेश्चन करते हैं। हमारे क्वेश्चन है सदिश ए बराबर ये दे रखा, ठीक है, और सदिश बी बराबर ये दे रखा। तो वो बोल रहे हैं इनके मध्य कोण क्या होगा, थीटा कितना होगा। हम जानते हैं भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका क्या होगा, ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब ए बराबर हमें दे रखा ये और बी बराबर दे रखा ये। अब जब हम इसका मापांक निकालेंगे ए वेक्टर का तो ये क्या होगा, अंडरवुड और ये आई डॉट आई का स्क्वायर, तो वो तो वन हो गया आई डॉट आई, तो यहां से क्या बचेगा, वन का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ये टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर और इसी प्रकार ये थ्री का स्क्वायर। जब इसको हम सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, रूट चौदह। ये बी है तो बी में क्या करेंगे, ये देखो आई डॉट आई वो तो वन हो गया, तो थ्री का स्क्वायर फिर माइनस टू का स्क्वायर फिर वन का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब इसको सरल करेंगे तो ये हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट चौदह आ जाएगा। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इन दोनों का डॉट गुणा निकालना है। तो हमने इसका मान निकाल लिया, इसका होता रूट चौदह और इसका होता रूट चौदह इंटू क्या होगा कोस थीटा। अब इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई तो वन हो गया, तो ये क्या हो गया थ्री, और माइनस टू इंटू माइनस टू जे डॉट जे ये हो गया चार, और तीन इंटू एक तीन, और के डॉट के वन हो गया, और इधर क्या बच रहा है रूट चौदह इंटू रूट चौदह चौदह हो गया और ये कोस थीटा है। तो इनको जब सरल करेंगे तो ये तो हो जाएगा दस, और इधर क्या हो जाएगा चौदह कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दस बटा चौदह, जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा पांच बटा सात, और थीटा बराबर क्या होगा कोस इनवर्स पांच बटा सात। तो हमारे पास इनके मध्य कोण कितना आ गया, थीटा कोस इनवर्स पांच बटा सात, ये सोल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।